एकदम सच पे 6-5 मंदिर बना के खड़े कर दिया आप लोगों ने। अभी तो कुछ पता थोड़ी है, नीचे बच्चे थे पोलियो के खतरे के, नीचे डॉक्टर नहीं थी दो, और तो तीन निकल के गई हैं, तीन निकल के गई हैं, उन्होंने बताया कि मैं तो निकली हूँ और ये बिल्डिंग गिरी है। तीन मंजिले नीचे जमीन में गई हुई है, अभी भी औरतें और बच्चे जो है ना इसमें दबे हुए, काम उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। अभी भी जिंदा लोग उसके अंदर है, लोगों के पास काले आ रहे हैं, जिनका रिश्तेदार है, हमारी मदद करो, मगर कोई उसमें वो नहीं हो रहा है, तेजी के साथ काम नहीं हो रहा उसमें। जो उनके भतीजे का फ्लैट है वो फ्लैट नजर ही नहीं आ रहा बिल्डिंग में, चौथी मंजिल पे था वो बिल्कुल उसका वजूद ही नहीं है। अब ना बच्चों का पता है ना उसकी बहू का पता है इनकी कि उनकी की क्या हाल है। बच्चे भी बड़े भी नीचे कहते क्लिनिक के, अभी लोग अंदर काफी फंसे पड़े हैं। ये तो खैर कानूनी इमारतें बनाने वाले भाई बिल्डर माफिया है कि इतनी ऊंची ऊंची छोटी छोटी जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई। ये जो आपको दो फ्लोर नजर आ रहे हैं ये खाली दो फ्लोर थोड़ी है, ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी। हाथों से इतने काम कहाँ पॉसिबल हो पाते हैं। जो सही मायनों में इमदाद चाहिए मशीनरी वो मैस्टर नहीं आ रही है। रेंट माफिया जो बिल्डिंगें बना कर पैसे लेके बेच करके वो यहाँ से निकल जाते हैं, रहने वालों को परेशानी होती है। अभी बिल्डिंग गिरी इसके पास, जितनी भी आसपास की बिल्डिंग है किनको कितना नुकसान पहुँचा। मेरे यहाँ पर भतीजा, माशाल्लाह 3 बच्चियाँ हैं और एक मियाँ बीवी वो खुद है। चौथी मंजिल का फ्लैट था, अब ना जाने पता नहीं वो बिल्डिंग तो गिर गई है, हमें नहीं मालूम हो रहा है कि किस कंडीशन में है वो। अल्लाह ताला वो सब बच्चों को या फैमिली को पूरी सही सलामत निकाल दे बाहर। एक मंजिल पे 2 फ्लैट थे, 4 मंजिला थी ये, तो 8 फैमिली का मतलब। हाँ ऊपर ये एक और बना रहे थे, ऊपर अभी एक और बना रहा था, हो सकता उसी का लोड इन्होंने बर्दाश्त ना किया हो। 8 तो बने हुए थे 8 फ्लोर तो पहले ही थे ऑलरेडी, उसके ऊपर एक और पेंट हाउस बना रहा था, जिसकी वजह से ये जितनी ऐसी कई इमारतें जैसे तामीर है भाई। बस बहुत ही अफसोसनाक है, और अफसोस की बात यह है कि जो लोग भी इसमें जहाँ बाक हो गए हैं और जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो है वो प्रॉपर हमारे पास मशीनरी नहीं है और वो इक्विपमेंट नहीं है जो जदीद होते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन आदमी कहाँ पर मौजूद है। तो ना सिंध हुकूमत के पास कुछ है और ना KMC के पास कुछ है, और जो करप्शन लूटमार है वो सब आपको पता है कि बिल्डिंगें जो है करप्शन के बगैर तो नहीं बन सकती हैं। इनको परमिशन जो है इन इदारों ने दी है, रिश्वत का पूरा निज़ाम इन नीचे से ऊपर तक, तो ये सब लोग जो हैं वो मिलजुल कर खाते पीते हैं और इंसानी जानों से खेलते हैं। पर अब बेचारे उनका क्या कसूर है जो मकान खरीद खरीद के इसमें रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं। तो ये तो इंतज़ाम हुकूमत का है ना कि वो सिस्टम डेवलप करे। सुप्रीम कोर्ट के रोज़ अब हर कुछ अर्जे के बाद बेंच बैठ रही है, सिर्फ ये कह देने से मसला हल नहीं होता कि फ़लाँ आबादी को तोड़ दो और फ़लाँ को रिमूव कर दो। पहले तो उसको फ़िक्स करें कि जिसने लाकर बिठाया है, जिसने नक्शे पास किए हैं, हुकूमतों में जिनको ये भत्ते मिलते हैं, और ये पूरा नेटवर्क पिछले 10-20-25 साल के अंदर कराची के अंदर जिस तरह से सारे लोग मिलकर जो पार्टियां हुकूमत में हैं, सिंध हुकूमत और विफाक में, इनके लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने सारे काम किए हैं, इनको तो फिक्स करें ना, और फिर उसके बाद उनको लटकाएं साथ साथ, फिर ये सारे रिलीफ के काम भी करें। और तो इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा अगर जिस तरह से अब अहकाम दिए जाते हैं।